हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आम पन्ना। आम पन्ना बनाने के लिए मैंने कच्चे आम को थोड़ा सा इस तरह काट के इसको कुकर में डाल दिया बॉईल करने के लिए। थोड़ा सा पानी डाल के इसको 2 सीटी आने तक हम इसको बॉईल कर लेंगे। देखिए 2 सीटी आ गई और मैंने आम को निकाल कर ठंडा कर दिया था। देखिए ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर के गुदे को हम निकाल लेंगे चम्मच से। इस तरीके से आसानी से निकल जाता है इसका। इसी तरीके से हम सारे गुदे को निकाल लेंगे। देखिए मैंने सारे निकाल दिया। अब इसको हम मिक्सी जार में डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये फ्रेश पुदीने के पत्ते। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कटोरी चीनी। अब ये काला नमक सफ़ेद नमक दोनों नमक ये दोनों डाल लेना। बहुत अच्छी खुशबू, बढ़िया, बहुत अच्छे स्वाद आते हैं दोनों डालने से। अब इसमें भून के पिसा हुआ जीरा पाउडर है ये 1/2 चम्मच ये जीरा पाउडर। अब ये जो आम को बॉईल करते समय जो पानी बचा था वो मैंने इसे निकाल लिया, वही हम थोड़ा सा इसमें डाल के इसको हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए बढ़िया से हमने इसका पेस्ट बना लिया। अब इसको हम चख लेंगे इसमें मीठा कैसा है। अगर कम लगे तो थोड़ा सा चीनी डाल के फिर से आप पीस लेना एक बार। मेरा परफेक्ट लग रहा है। और देखिए इस तरीके से मैंने पेस्ट को एक जार में निकाल लिया। इसको फ्रिज में रख के 2-3 दिन तक हम मज़े से इसके मज़े ले सकते हैं। अब देखिए बनाने के लिए मैंने गिलास में इस आइस क्यूब डाल दिया। इस तरीके के पन्ने खाओ तो गर्मियों में बहुत ही मज़ा आता है, रिफ़्रेश कर देता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 3-3.5 चम्मच के करीब इसमें ये पन्ना, आम पन्ना। देखिए इतना मैंने इसको डाल दिया। अब इसमें थोड़ा सा भुना हुआ पाउडर डाल देंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़े से काला नमक। वैसे ऑलरेडी पेस्ट में है ही नमक, फिर भी थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे। अब इसमें ठंडा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। एक बार ज़रूर बना के ट्राई कर लीजिएगा दोस्तों। ये वाली आम पन्ना बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही रिफ्रेश कर देता है ये गर्मियों में। देखिए हमारे अब इसमें हम थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डालकर ऊपर से गार्निश कर लेंगे। देखिए दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिख लीजिएगा। एक बार ज़रूर बना के ट्राई कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।